Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और आज का वीडियो मैं फटाफट से बना रही हूँ, क्विक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये एक शॉपिंग हॉल होने वाला है. जो जो मैंने चीज़ें खरीदी है, इतने दिनों से मैंने व्लॉग नहीं किया तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई सही से. तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ कुछ चीज़ें दिखा दूँ जो मैंने खरीदी है रिसेंट टाइम्स में एंड जो आपके साथ शेयर नहीं हो पाई. सो लेट्स गेट गोइंग विद द वीडियो. सो मैं बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में इतने में ही सेटल करके मैं अपने आप को बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रखी है, क्योंकि मैं इंडिया जाने वाली हूँ अभी. तो उसके सारा सामान वगैरह मैं निकाल के रख चुकी हूँ ताकि मैं सब कुछ सिर्फ बैग में डंप करूँ और लेके चली जाऊँ, क्योंकि ये मुझे पहले से ही चीज़ें प्लान करके रखना काफ़ी पसंद है. तो इसीलिए मैंने प्लानिंग करके ऑलरेडी चीज़ें निकाल के रखी थी. एंड आई थिंक मैं पर्दे को थोड़ा सा अलग करूँगी तो रोशनी अच्छी आएगी. 1 मिनट. सो अब देखिए, नेचुरल लाइट भी आ रही है अंदर. सो हाँ, सबसे पहले ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह लिए हैं मैंने, क्योंकि भैया को बहुत पसंद आए थे चॉकलेट्स, तो इसीलिए मैं भैया के लिए टॉबलर चॉकलेट लेके जा रही हूँ. तो इसलिए मैंने वो भी दिखा दिया अभी साथ ही साथ. एंड मैंने रिसेंटली कुछ मंगवाया था, तो मैंने ये फ्लावर्स मंगवाए थे शीन से. ट्यूलिप्स हैं ये, तो वाइट ट्यूलिप्स मंगाए थे मैंने. ऐसे हर कलर के ट्यूलिप्स अवेलेबल हैं, तो मैंने ये मंगाए क्योंकि वाइट बहुत ही सोवर एंड अच्छा डिज़ाइन लगता है, तो इसलिए मैंने वाइट वाले. एंड पता नहीं इसमें खुशबू, रबरी खुशबू है शायद, बट देन फूलों जैसी खुशबू आ रही है इसमें से एक्चुअल में. तो ये वाले मंगवाए थे तो मैंने सोचा ये भी दिखा दो हम लोगों को. मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा है अपने, ताकि अच्छा लगे. डाइनिंग पर बहुत सुंदर लग रहा है वो रखा हुआ. ओके, एंड उसके बाद रिसेंटली मैंने ये वाले नाइकी के शूज़ खरीदे हैं अपने आप के लिए. ये शूज़ मैं कब से ना एक्चुअली एडिडास के ही पहन रही थी शूज़, एंड वो इतना मैंने पहना है, कब से पहन मालूम, आई थिंक 4-5 साल हो गए. क्या होता है मालूम, आप ब्रांडेड चीजों में ना थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा महंगी होती हैं चीजें, बट देन वो बहुत लंबे तक टिकती हैं. कॉलेज डेज से लेके जब तक मैं शादी की थी तब तक मेरा एक ही फंडा था लाइफ का कि मैं सस्ती सस्ती चीज़ें लूँ. एंड वो मेरा भैया हमेशा मुझे टोका करता था कि सस्ती चीज़ मत ले, महंगी ले, वो ज़्यादा दिन चलेगी, सस्ती चीज़ जल्दी फट जाएगी एंड दूसरी लेनी पड़ेगी. बट मेरा जवाब हमेशा यही होता था उसके लिए कि हम लड़कियाँ हैं, हमको बार बार चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो हम एक ही चीज़ को लंबे तक नहीं पहन सकते. तो इसीलिए मैं सस्ती 100 रुपीज़ की स्लीपर्स लेती थी मैं बैंगलोर में, ब्रिगेड रोड से, तो वहाँ से वो लेती थी एंड वो पहनती थी, फिर चेंज करती थी, पहनती थी फिर चेंज करती थी. तो ऐसे में बहुत सारे स्लीपर्स चेंज करती थी. बट आई थिंक विथ एज एंड टाइम आपको समझ आता है कि कुछ थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करके अच्छी चीज़ें लो, वो लंबे तक चलेंगी. बेशक वो रिपीट होती हैं फोटोज़ में हुआ या फिर आपके वार्डरोब में ही रिपीट होती है वो चीज़ें, बट नेवर माइंड यू नो, क्योंकि रिपीट होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट देन ये कंफर्टेबल ज़्यादा होती हैं, उससे ना मेरे पैरों में इतने निशान पड़ गए हैं पहले पहन के. अभी भी मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनती हूँ, अभी भी इसमें ही कलेक्शन मेरे शीन से भी जो मैंने मंगवाया है सस्ती वाली वो भी है. बट देन हाँ, ऐसे जो आप लॉन्ग टाइम के लिए पहनते हो ना, लंबे टाइम के लिए, जैसे फ्लाइट में पहन रहे हो आप, रनिंग के लिए पहन रहे हो, साइकिलिंग के लिए पहन रहे हो, तो अच्छे शूज़ में इन्वेस्ट ज़रूर करना. तो ये मैंने नाइकी का ना ये मॉडल लिया है, ये मुझे डिस्काउंट प्राइस पे भी मिला, प्लस ये वाइट में था, वाइट मुझे बहुत पसंद है शूज़ में, तो इसलिए मैंने ये शू लिए. तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को. और उसके बाद एक और, अभी जस्ट मैं बाहर गई थी तो मैंने एक चार्ल्स एंड कीथ के स्लीपर्स लाए हैं अपने लिए. तो मैं एक ही खोल के दिखाऊंगी क्योंकि मैंने अभी जस्ट पैक किया, सनी को दिखाई मैं एंड देन फिर मैंने पैक करके रख दिया है. तो ये स्लीपर्स बहुत कम्फर्टेबल हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाले खरीदे. कुछ ऐसे हैं देखिए, ये पर्ल्स का डिज़ाइन बना हुआ है एंड ये पूरे ट्रांसपेरेंट है इधर से, और यहाँ पे कुशन है देखिए, दबता है ये कुशन पूरा. तो ये कुशन की वजह से ही मैंने ये खरीदा है, क्योंकि पहले भी मैंने और अंकिता ने मिला के जोड़ी में चार्ल्स एंड कीथ खरीदे थे सेम, बट देन वो इतने हार्ड थे यहाँ पे कि हमको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो इसीलिए इस बार मैंने ये सॉफ्ट वाले खरीदे चार्ल्स एंड कीथ से. तो ये वाले स्लीपर्स खरीदे मैंने, जैसे जैसे दिखा रही हूँ ना, मैं फटाफट से इसके अंदर भी डाल के रख दूंगी ताकि मुझे काम कम पड़े, क्योंकि कल मैं निकल रही हूँ एंड मैं काम को फैला के नहीं जा सकती, बिकॉज सनी अकेले रहेंगे घर पे एंड मैं नहीं चाहती कि वो पीछे से मेरे काम करे. आते हैं एक और स्लीपर्स, ये फ्लिप फ्लॉप हैं, जो कि आप मुझे मेरे फोटोज़ वगैरह आप देखते हो तो उसमें मैं हमेशा यही वाले पहनती हूँ. एडिडास के मैं वो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स वाले पहनती हूँ. ये मैंने एक और दूसरे वाले मंगाए हैं एडिडास के, तो ये कुछ ऐसे पैटर्न में है. ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने और सनी ने दोनों ने सेम खरीदे. फ्लिप फ्लॉप्स हम जब भी लेते हैं हम सेम ही लेते हैं, मैं और सनी. सनी भी सेम, मतलब अलग साइज़ में ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके पैर बहुत बड़े हैं एंड ये मेरा सबसे छुटकू साइज़, छोटा सा साइज़ मेरा. तो ये मैंने एडिडास से मंगाई थी, इसको अभी मैंने पहना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे अभी तक जो पुराने वाले हैं वो
अच्छे चल रहे हैं, बट वो ना थोड़े गंदे भी हो गए क्योंकि मैं वो इंडिया भी लेके जाती रहती हूँ, तो धूल मिट्टी से ना वो थोड़े गंदे हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट एडिडास वालों से ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और उसके बाद एक और है, कहाँ गया, हाँ एक और मैंने शीन से मंगाए थे स्लीपर्स। शीन के ना बहुत ही फंकी एंड बहुत प्यारे होते हैं स्लीपर्स, तो मैंने कुछ ऐसे मंगवाए थे। ये देखिए मैं हाथ में पहन के दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टड है बड़ा सा, और ये सारे अलग अलग कलर के स्टड वाले थे। ये देखिए ये कितने हार्ड हैं, देख सकते हो आप। ये है ना बहुत लंबे तक पहन नहीं सकते हो, ऐसे ही कभी डिनर वनर के लिए बाहर जा रहे हैं या फिर अंकिता के घर तक जा रही हो तो तब मैं पहनूंगी। बट इस बार ये इंडिया लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी कार में ही घूमते हैं हम भैया के साथ, तो इसीलिए ना ये वाले लेके जा रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे स्टड वाले हैं एंड ऐसे फ्लैट्स हैं, तो ये मैंने शीन से मंगवाए थे। ये मुझे कुछ $6 या $7 के पड़े थे, डिस्काउंट में थे ये, तब मैंने लिया था। मैं चीज़ें डिस्काउंट पे वेट करती हूँ, डिस्काउंट पे आने के बाद लेती हूँ। फिर रिसेंटली जब हम अंकिता के घर गए थे तो मैंने अंकिता के लिए गिफ्ट दिया था विंड चाइम, क्योंकि वो नए घर में गई है एंड मैं कुछ ऐसा देना चाहती थी जो हमेशा देख के याद करे मुझे। तो विंड चाइम्स उसके बालकनी में मैं टांग के आई हूँ, तो जब भी वो बजेगा ना तो उसको मेरी याद आएगी। तो ऐसा मैंने उसके लिए लिया था एंड मुझे भी इतना पसंद है और वर्षा को भी वो इतना पसंद आया कि मैं और दो लेके आई मेरे लिए एक। और एक्चुअली सनी बोल रहे थे कि विंड चाइम्स हमारे लिए भी लेके आना चाहिए, तो सेम अच्छा है बोल के, तो इसलिए मैंने अपने लिए एक लाया है एंड वर्षा के लिए भी एक और लाया है। तो ये रहा विंड चाइम्स, देखिए बहुत सुंदर है, छोटा सा देखिए घर बना हुआ है एंड अंकिता के बालकनी में बहुत क्यूट लव भी लग रहा है वो। एंड अभी जस्ट मैंने ये बॉलस्टर लाया है नया वाला, ये वैक्यूम सील्ड है, इसको खोलने के बाद ना ये मोटा बड़ा वाला हो जाएगा जैसे पिलो होता है जनरली, तो ये बॉलस्टर भी लाया मैंने। वॉटसन्स का कुछ सेल चला था तो वहाँ से लाया मैंने। हमारा पुराना बॉलस्टर काफ़ी साल पुराना हो गया है अभी, तो उसको चेंज करने का टाइम आ गया है। पिलोज को आप चेंज करते रहिएगा 3-4 ईयर्स में, क्योंकि हम जल्दी चेंज नहीं करते। एक्चुअली सिंगापुर में तो एक एक साल के बाद ही चेंज कर देते हैं ये लोग, बट हम इंडियंस हम कारे अंदर है वो, तो हम एटलीस्ट 3-4 साल चलाते हैं एक एक पिलोज को, तो इसीलिए चेंज करते रहिएगा क्योंकि पिलोज में बहुत जल्दी बैक्टीरियाज हो जाते हैं अंदर, कॉटन की वजह से, फेदर्स की वजह से, बहुत अलग अलग कारणों की वजह से स्वेट होते हैं हम कभी कभार, तो हो जाता है बहुत कुछ, तो इसलिए चेंज करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने एक नया बॉलस्टर भी लाया है। उसके साथ ही साथ मैंने ये बेबिंग टॉवल लाया है मेरे लिए, ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ टॉवल लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने ये लाया है। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इसमें ऐसा पॉकेट बना है, बट इसमें ना ऐसे ये हाथों के लिए डालने वाला है कुछ, आई थिंक मैं एक बार ट्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये कुछ ऐसा ना बेडिंग नहाने के बाद ना ऐसे डाल के, इसमें यहाँ पे बटन है, ये बटन डाल के ये बटन को यहाँ पे फिक्स कर दो, तो ये टॉल है पूरा, ओके। तो टॉवल है ना ऐसे पूरा आपका बदन, मतलब एक बाथरूम काइंड ऑफ बाथरूम भी हो गया ये, तो वैसा एक लिया मैंने। और अभी लास्ट की चीज़ें दिखाती हूँ, मैंने कुछ ड्रेसेस लिए थे तो वो भी दिखा रही हूँ आपको। ये ड्रेस आप इंस्टाग्राम में अगर मुझे फॉलो करते हो तो धीरे धीरे वहाँ पे फोटोज़ आएंगी जैसे जैसे मैं पहनूंगी। तो कुछ मैंने ऐसा वाला ड्रेस लिया है, बहुत सुंदर पैटर्न है ये, एक साइड ऐसा फ्रिंज वाला, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग चला है जो फ्रिंज होता है साइड में, और ये पैटर्न बहुत अलग है, जैसे आगे से शॉर्ट है पीछे से लॉन्ग है, तो ऐसा ड्रेस है ये। तो ये वाला एक ड्रेस लिया था, ये फटाफट से दिखा रही हूँ मैं एंड ये लेके भी जा रही हूँ मैं इंडिया इस बार। तो वो और एक जंपसूट मंगाया था, जंपसूट मैं बहुत रेयर पहनती हूँ, बट देन दिस जंपसूट इज़ सो अमेजिंग। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो भी सिंगापुर में लोग हैं आप मंगा सकते हो ये। ये मैंने शीन से मंगवाया है, जंपसूट इतना प्यारा है, इसका फिटिंग इतना प्यारा है, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा, बहुत कम्फर्टेबल है, समर्स के लिए बहुत अच्छा जंपसूट है ये। कुछ ऐसा है फ्लोरल पैटर्न में, मैंने एक और ऑर्डर कर दिया है क्योंकि इसकी फिटिंग मुझे बहुत सूट की एंड बहुत प्यारी लग रही है। देखिए जब मैं पहनूंगी ना फोटोज शेयर करूंगी एंड इंस्टाग्राम पे तो मेरे फोटोज डलते ही रहते हैं, तो वहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हो। तो यही सारा शॉपिंग था जो मैंने अभी रिसेंट डेज में किया है, कुछ कुछ और किया है जो मुझे याद नहीं है अभी क्योंकि एक महीना हो गया है, कुछ कुछ जो मैं खरीदी भी हूँ जैसे बेडशीट्स वगैरह वो सब कुछ मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो कि थोड़े दिनों के बाद आएगा। सो या अंटिल देन डू वॉट मेक्स यू हैप्पी गाइज, बाय बाय।